अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? मैं सामना अमीन है, होप सो यू आर ऑल फाइन। सो वी स्टार्ट आवर लेक्चर विच टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। जी, हमारे पास हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। इन मैथमेटिक्स अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। के सीक्वेंस हमारे पास एक लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, लाइक अ सेट। जिस तरह से कोई सेट है, इट कंटेन्स मेंबर्स आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स और टर्म्स। के सीक्वेंस के मेंबर्स को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और टर्म्स भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स पॉसिबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। नंबर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स जो हैं उनको हम क्या कहेंगे कि लेंथ ऑफ सीक्वेंस है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि सेम एलिमेंट्स कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स एट डिफरेंट पोजीशंस इन द सीक्वेंस। कि जिस तरह से सेट में हमारे पास होता है कि यूनिक वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, तो इस तरह से सीक्वेंस में हमारे पास रेपिटेशन हो सकती है नंबर्स की। वो डिफरेंट पोजीशंस पे लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ काउंटेबल टोटली ऑर्डर्ड सेट सच एज अ नेचुरल नंबर। कि सीक्वेंस हमारे पास क्या है जिसकी डोमेन हमारे पास काउंटेबल हो, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स हो। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इज अ फंक्शन विद डोमेन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स हो, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फंक्शन ए डिफाइंड बाई ए ऑफ एन इज इक्वल एन स्क्वायर। जिस तरह से कि एन स्क्वायर, अब एन को हम वैल्यूज असाइन करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। अब हमारे पास जो एन स्क्वायर है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर इसके अंदर ऐड करें। जिस तरह से नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 हैं, एन की जगह पे रखें सबसे पहले 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। नो, हमारे पास देखेंगे जो टर्म है जनरल एंथ टर्म, उधर से पूरी एक सीक्वेंस जनरेट हो गई जो कि हमारे पास है 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन अप टू एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर के बाद ये इनफाइनाइट टाइम्स है, क्योंकि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स थे। हमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था कि हमारे पास लेंथ ऑफ सीक्वेंस कहाँ तक है, तो हम एंथ टर्म खुद से जनरेट कर सकते हैं मे बी कि हमें गिवन हो। तो हमारे पास ये सीक्वेंस है। ईच नंबर इन द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद ए एन एंड एंथ टर्म ऑफ जनरल टर्म। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो जनरल टर्म है हम उसे डिनोट करेंगे ए एन के साथ। द फार्मूला ऑफ द एंथ टर्म जनरेट दिस टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। के हो सकता है कि आपके पास जो एंथ टर्म है वो आपको गिवन हो। अगर आपको गिवन नहीं होगी तो हम सीक्वेंस से एंथ टर्म को जनरेट करवा सकते हैं, उधर से उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस की डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो कि हमारे पास डोमेन यहां से यहां तक लाई कर रही है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू m तक हों, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, 2, 6, 4, 6, 8, 10 इज अ फाइनाइट सीक्वेंस विद 5 टर्म्स वेयर ए एन इज इक्वल्स टू 2n। लाइक 2n की जगह पे हम नेचुरल नंबर्स 5 तक पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस जनरेट होगी 2, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट हमारे पास है इट कंट्रास्ट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी जिसकी एंथ टर्म का अंदाजा तो हम लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म कौन सी है हम उसके लेंथ ऑफ सीक्वेंस हमें नहीं पता होगी। इस तरह की सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जी, अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट सीक्वेंस विद द जनरल टर्म ए एन इज इक्वल्स टू 2n-1। जी, हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है जो कि है 2n-1। हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर्स की फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो n की जगह पे पुट करके तो हम इस सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं 1, 3, 5। जिस तरह से a1 हमारे पास होगा n की जगह पे 1, 2, 1 टाइम 2 -1, 1। a2, 2, 2 टाइम 4 -1, 3, 3, 2 टाइम 6, 6 -1, 5। इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो गई।
जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है फाइनाइट सीक्वेंस हैज़ फोर फॉर द एंथ टर्म एक्स एन इज इक्वल्स नेगेटिव वन की पावर एन ओवर वन ओवर टू एन माइनस वन, वट इज द सीक्वेंस। सिंपली यहाँ पे हम एन की जगह पे वैल्यूज असाइन करेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स फोर तक, वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एंथ टर्म जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स एन से, इसलिए यहाँ पे भी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अगर यहाँ पे हम ए एन से शो करेंगे अपनी सीक्वेंस को तो हम यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ले सकते हैं। सिंपली इसको जनरेट करने से सॉरी पुट करने से सिंपली जो आंसर आ गया उधर से हमारी सीक्वेंस की फर्स्ट फोर टर्म्स जो हैं वो जनरेट हो गई। जी नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल हमारे पास है फाइंड अ फार्मूला फॉर ए एन गिवन द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द गिवन। फर्स्ट फ्यू टर्म्स हमारे पास गिवन है और हमने एंथ टाइम फार्मूला जनरेट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वन इज इक्वल टू है विच इज वन इज वन प्लस वन। नेक्स्ट हम एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो जनरेट होती जाएगी। तो इधर से हम एंथ टर्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि एन हमारे पास है एन प्लस वन। जब एन की जगह पे हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली सीक्वेंस की फर्स्ट टाइम टू जनरेट होगी, एन की जगह पे टू रखेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म थ्री जनरेट होगी। जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एंथ टर्म के लिए क्वेश्चन है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व। ए वन हमारे पास है थ्री, ये थ्री के मल्टीपल्स हैं तो हम सिंपली इसकी एंथ टर्म को लिख सकते हैं थ्री एन। कुछ ये बेसिक बेसिक से सीक्वेंस हैं जिनको हम याद रख सकते हैं कि हमने सीक्वेंस किस तरह से जनरेट करनी है। जी नेक्स्ट हम हमारे पास है सीरीज। जी तो सीरीज हमारे पास है एसोसिएटेड विद एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज द इंडिकेटेड सम ऑफ द सीक्वेंस। जी किसी भी सीक्वेंस का जो सम है वो हमारे पास सीरीज कहलाएगा। जिस तरह से कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है टू फोर सिक्स एट टेन, अगर हम इसे लिख लें टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन तो हमारे पास ये सीरीज हो जाएगी। इधर से एक और सीक्वेंस हमें गिवन है नेगेटिव वन वन ओवर टू नेगेटिव वन ओवर फोर वन ओवर एट। द सीरीज हमारे पास जो है वो क्या होगी, ऐड होने के बाद हम कहेंगे कि ये हमारे पास